गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल कंटिन्यू सेकेंड चैप्टर. ओपन द पेज नंबर 19. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. लास्ट डे आपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा था, ठीक है. अभी हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे. दिस सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू इज यूज वाइडली इन ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स. हैंस वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस सिस्टम केयरफुली. The international place value chart looks like below. ठीक है, ये आपका international place value chart बना हुआ है. इसका हम use किसमें करते हैं? International जो transaction होते हैं, ठीक है, इसका use उसमें बड़े उसमें किया जाता है. किसका? International place value system का use. सारे transaction international transaction के लिए. Hence we must understand this system carefully. इसलिए हमें सिस्टम को केयरफुली समझेंगे. द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये बता दिया है. इन जो चार्ट बना हुआ है नीचे, वो कौन सा है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है. अकॉर्डिंग टू इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, द नंबर इज सेपरेटेड बाय कॉमर्स आफ्टर एवरी थ्री प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वंस. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, नंबर में जो कॉमा पुट करते हैं हम, वो राइट साइड से वंस प्लेस से स्टार्टिंग से थ्री डिजिट के बाद, हर थ्री डिजिट के बाद क्या आता है? कॉमा आता है. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या था कि राइट साइड से मीन्स वंस प्लेस से स्टार्ट करते थे, तो स्टार्टिंग में थ्री डिजिट के बाद लगाते थे, ठीक है, फिर हर टू डिजिट के बाद हम उसमें कॉमा लगाते थे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में. बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम हर थ्री डिजिट के बाद कॉमा राइट करेंगे. कहाँ से? वंस, फ्रॉम दी वंस, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी वंस प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का जो चार्ट है, फर्स्ट में पीरियड आएगा, ठीक है, आपकी प्लेस मिलियंस, मिलियंस में आपका हंड्रेड मिलियंस, टेन मिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड में हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, थाउजेंड, वंस में हंड्रेड, टेंस, वंस, ठीक है. और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो चार्ट था उसमें क्या था? वंस में थ्री प्लेसेस थे, ठीक है, और फिर उसके बाद टू टू प्लेसेस थे. बट इसमें मिलियन में भी थ्री प्लेसेस हैं और थाउजेंड में भी. नाउ सी, रिमेंबर, वन लाख इज इक्वल टू हंड्रेड थाउजेंड. जो वन लाख है वो हंड्रेड थाउजेंड के इक्वल है. टेन करोड़ इक्वल हंड्रेड मिलियंस. टेन करोड़ किसके इक्वल है? हंड्रेड मिलियंस के. टेन लाख इक्वल टू वन मिलियन. टेन लाख किसके इक्वल है? वन मिलियन के. वन करोड़ किसके इक्वल है? टेन मिलियंस के. हंड्रेड करोड़ किसके इक्वल है? वन मिलियन. क्लियर हुआ? नाउ लेट अस लर्न थ्रू एग्जांपल टू राइट एंड रीड लार्ज नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंटरनेशनल सिस्टम में लार्ज नंबर को कैसे राइट किया जाता है और रीड किया जाता है, वो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है, री राइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ प्रॉपर कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. ए नंबर पे है 8034985 6, ठीक है. इंटरनेशनल प्लेस वाले सिस्टम में क्या बताया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम वंस, मीन्स वंस से हम स्टार्ट करेंगे, हर थ्री डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे. तो वन टू थ्री, थ्री डिजिट के बाद कॉमा पुट किया, अगेन थ्री डिजिट के बाद वन टू थ्री, थ्री डिजिट. क्लियर? टर्न योर पेज नंबर 20. एग्जाम्पल सेकेंड डे, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. नंबर्स नेम राइट किया है, ठीक है, नंबर्स के किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग. नाउ कम टू एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करके हम कॉमा पुट करेंगे. ए नंबर पे है 2784123.
वंस प्लेस से हम राइट करेंगे हर थ्री डिजिट के बाद, 1 2 3, थ्री डिजिट हो गया, यहाँ कॉमा पुट किया, अगेन थ्री डिजिट, 1 2 3, ओके। सी नंबर पे है 8989 10274, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस, ओके, वन से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, थ्री डिजिट का कॉमा पुट किया, अगेन थ्री डिजिट, 1 2 3, 1 2 3, ओके। बी नंबर पे 6979721054 है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, थ्री डिजिट के बाद किया, 1 2 3, थ्री डिजिट के बाद, ओके। सेम जो थ्री लेफ्ट है उसमें भी हम करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। ई नंबर पे है जैसे 1 2 3, थ्री डिजिट का कॉमा पुट किया, अगेन 1 2 3, जीरो भी है लेकिन हमको उसे काउंट करना है, ठीक है, फिर हम कॉमा पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करके हमें नंबर्स नेम राइट करने हैं। फर्स्ट में ए नंबर पे क्या है, 68,243,105, ओके। बी, पहले हम इसका नंबर्स नेम राइट करते हैं ए नंबर का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 43,000, ठीक है, 1,000 प्लेस में है ना अभी, तो 1,000, देन 100, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है नंबर्स नेम, ओके। बी नंबर पे है 198,627,004, फिर क्या है आपका 405, ओके, 198 million, फिर 627,000 TWENTY-7,405. डी नंबर पे है 26,000,010. ई नंबर पे है 70 million,
1010. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर, 2 लेफ्ट है आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द फॉलोइंग्स इन फिगर. नंबर्स नेम राइट है, इन्हें फिगर्स में राइट करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, फर्स्ट में है आपके 87,217,066. ओके, 87,216,000 है. ठीक है, तो 216 कॉमा फिर क्या है 66. बी नंबर पे 364 मिलियन मीन्स 364 मिलियन. 88,096 का बी नंबर हो गया. सी नंबर पे 16 मिलियन के. अब जो टू लेफ्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कर लीजिएगा.